अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ केक रस्क की बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी। अगर आपके पास ब्लेंडर और बीटर अवेलेबल नहीं है तब भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने साफ़ सुथरा सा बाउल ले लिया है और इसमें मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं विद योक और इनको मैंने डाल देना है। और इसमें हम कम से कम सामान यूज़ करेंगे, कोई हमने बटर इस्तेमाल नहीं करना इसमें ढेर सा, और वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो बजट में है। बजट में रहकर हम बनाएंगे केक रस्क। ठीक है, यहाँ पर 3 अंडे मैंने डाल दिए और इनको स्पून की मदद से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास बीटर है या फिर आपके पास कोई हैंड विस्कर है आप उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पून यूज़ कर रही हूँ। और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो गए, यहाँ पर मैंने 1/2 कप डाला है चीनी का। आपको जितनी चीनी चाहिए, आपको जितनी अच्छी लगती है आप उतनी डाल सकते हैं। और अब इसे भी एक अच्छे से मतलब स्मूथ सा बैटर बना लेना है, इतना मिक्स करना है जी। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है अंडों में और यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है ऑयल का। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं जी। तो जैसे ही मैंने ऑयल इसमें मिक्स किया है, ये देखिए कि थोड़ा सा ये थिक हो गया पहले से। और अब मैंने इसमें 1 कप भर के मैदे का डाल देना है, जिसको मैंने पहले से ही छान कर कप में डाल दिया था। आप भी छान कर ही यूज़ करिएगा। अब मैंने इसको 2 पोर्शन में डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ इसको मिक्स करते हुए ही मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसमें बेकिंग सोडा मैंने नहीं डाला, सिर्फ बेकिंग पाउडर डालना है, वो भी 1/2 टेबल स्पून। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। अभी बैटर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, पर जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करूँगी ये स्मूथ हो जाएगा। और इनकेस अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा हार्ड बनता है तो इसमें आप 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दें या दूध डाल दें नॉर्मल टेम्परेचर का, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बट ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं डालना। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मार्केट जैसे बिल्कुल केक रस्क बने, तो यहाँ पर मैंने फूड कलर ऐड किया है येलो कलर का, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जितनी अच्छी करेंगे उतना स्मूथ बैटर बनेगा, कोई लम्स बीच में नहीं रहेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है वनीला एसेंस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ओके, नहीं है तो मत डालिए आप। और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स करके अब ये बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप बैटर की थिकनेस भी देख रहे हैं कितनी है, बिल्कुल इतनी ही रखनी है। ठीक, तो चलते हैं आप बेकिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया है जिसे मैंने ग्रीस कर लिया और एक नॉर्मल सा कॉपी का पेपर लगा दिया है। और मोल्ड की टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी किस्म का घर का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, बस उसको ग्रीस कर लें और बटर पेपर लगा लें। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल कॉपी का पेपर लगा लें, अगर वो भी नहीं है तो आप उस पर जो है मैदा डस्ट कर लें जी। तो यहाँ पर कोई भी हमने ज़रा ज़ाया नहीं करना, सारा का सारा हमने बैटर इसमें डाल दिया है और इसे 2-3 दफ़ा हमने टैप कर लेना है ताकि कोई एयर बबल्स आएँ तो वो निकल जाएँ। बेकिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया जिसमें एक छोटा सा मैंने बर्तन रखा है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया था 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। और हमें केक रस्क के लिए जो इसका टेम्परेचर चाहिए वो हाई चाहिए, तो यहाँ पर ये गर्म हो चुका था। और अब मैंने इसमें मोल्ड रख दी है, तकरीबन हमें इसे चेक करूँगी 40-45 मिनट बाद में इसको चेक करूँगी, और अगर कोई कसर हुई तो 5 मिनट में और इसे बेक कर लूँगी। आप चाहें तो इसको बंद करने के बाद इस पर कोई टॉवल भी दे सकते हैं ताकि हीट जो है वो अच्छी खासी बन जाए जी। तो तकरीबन 50 मिनट लगे थे और मैंने इसको पहले चेक किया था, ये सही सा कलर नहीं आया था, तो मैंने थोड़ा सा और बेक कर लिया से 5-6 मिनट, और तकरीबन 50 मिनट लगे हैं। और माशाल्लाह से देखें इसका कलर, मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ नाइफ से कि अंदर तक बेक हो चुका है, फूला भी बहुत अच्छे से है। और अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ जी। तो यहाँ पर मैं इसको अब बाहर निकाल लेती हूँ मोल्ड से। मैंने पहले ही इसको नाइफ से थोड़े से कट लगा दिए थे साइड से ताकि ये ईजीली आराम से बाहर आ जाए। और देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, और मैं चेक भी करके दिखा देती हूँ। देखें कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अगर आप इस तरह ही खाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी घर से खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसका पेपर उतार दूँगी जी। तो माशाल्लाह से आपने देखा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, इसका कलर भी बहुत प्यारा आया। और यहाँ पर मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखा देती हूँ, अगर आप इसे ऐसे खाना चाहते हो तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने केक की अच्छे से कटिंग कर ली है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ।
अगर आप ऐसे खाना चाहते हो तो ये प्रोसेस यहीं पे रोक दें और इसे टी के साथ इंजॉय कर लें। लेकिन हमने केक रस बनाने हैं सो हम बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा प्लेट लिया जिसको ना मैंने ग्रीस किया है ना बटर पेपर लगाया हुआ है, इसके ऊपर ही मैंने ये ऐसे रख देने हैं और इसे थोड़ा सा मैं ठंडा होने दूँगी और उसके बाद दोबारा से हम इसका बेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जी तो यहाँ पे मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही फ़ैन में छोड़ दिया था और ये अब ठंडे हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने वही पतीला सेम लिया है, अगेन उसको मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे से प्री हीट कर लिया था और अब मैंने इसमें जितने भी ये केक्स के मैंने पीसेस रखे हैं कट करके वो रख देने हैं। और मैंने ये ध्यान रखना है कि 10 से 15 मिनट बाद मैंने इनकी साइड्स चेंज कर देनी है, जैसे ही इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आएगा साथ ही मैं इनकी साइड्स चेंज कर दूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से मैंने दोनों साइड से इन्हें 20-20 मिनट जो है वो बेक कर लिया है और बहुत ज़्यादा खस्ता बने हैं, बहुत प्यारा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े के और खस्ता बनेंगे ये, क्योंकि आपने ख़ुद बनाए होंगे। पूरी कोशिश की है कि वीडियो में एक से एक चीज़ में अच्छे से समझा सकूँ, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताने का समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।